बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रमज़ान स्पेशल में बनाने जा रहे हैं कलरफुल वेजिटेबल एंड चिकन मैक्रोनीज। उसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पानी थोड़ा सा बॉईल कर लिया है एक पैन में, और इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब ऑयल डाल रही हूँ, और इसके अंदर नमक जो है वो भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डाल दिया है, और इसमें मैं तकरीबन 1 कप जो है वो मैक्रोनीज किसी भी शेप में, किसी भी शेप में ले सकते हैं, और जो भी आपके घर में मौजूद हो वो हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। अच्छा, यहाँ एक और मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल जाएगा, और इसी ऑयल के अंदर जो है मेरे पास 1 कप बोनलेस चिकन है, इसको डालना है, और इसको सौते करना है। ओके, इसमें जो है 1/2 टीस्पून जाएगा गार्लिक पाउडर, अगर गार्लिक पाउडर या जिंजर पाउडर नहीं है तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, और सफ़ेद मिर्च का पाउडर है तो वो भी 1/2 टीस्पून, अगर नहीं है तो ब्लैक पाउडर, ब्लैक पेपर या काली मिर्च भी डाली जा सकती है, और चिकन पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून के करीब जाएगा इसमें, 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स जाएंगे, 1 टीस्पून ही विनीगर जाएगा, सॉरी ये विनीगर ही था, वाइट विनीगर या आप राइस विनीगर है तो वो यूज़ कर लें, और 1 टीस्पून हमारे जो है सोया सॉस इसमें जाएगा, और 2 टेबलस्पून जो हम टमाटो प्यूरी अगर है तो वो डाल लीजिए, वरना अगर आप केचप पसंद करते हैं तो वो डाल लीजिए, या फिर एक टमाटर को ग्राइंड करके हम वो डाल लेंगे, और इसको चिकन के गल जाने तक हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेंगे। यहाँ हमारे जो मैक्रोनीज हैं, जो पास्ता है वो बिल्कुल गल चुका हुआ है, इसको भी हम पानी में से निकाल कर और फिर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि उसका जो कुकिंग टाइम है वो जो कुकिंग हो रही होगी उसके बाद वो रुक जाए। जी ये जो है चिकन अपने ही पानी में गल चुका हुआ है, मैंने बहुत लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 15-20 मिनट तक बना लिया है, अगर तो ये ना गल रहा हो आपसे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको गला सकते हैं 2 से 3 टेबल स्पून डाल के, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि चिकन हमारी जो है वो गल चुकी हुई है। ये देख लीजिए, ये देखिए, तो इस वजह से हम इसमें नहीं डालेंगे पानी, और ये रेडी है। अब हम अभी सब्जियों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक और पैन ले लिया है, इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल रही हूँ, इसमें जो है थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली है तकरीबन 1/2 कप, 2 से 3 जो है ये हरी प्याज है वो ली है, सब्ज़ वाली शिमला मिर्च जो है बेल पेपर्स तीनों कलर में ली है, रेड ग्रीन और येलो, अगर ये नहीं हो तो इसकी जगह गाजर भी डाली जा सकती है, इसको सॉटे करना है। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हमारी सफ़ेद मिर्च का पाउडर, अगर नहीं हो तो काली मिर्च का पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टीस्पून जो है सोया सॉस, और 1 टीस्पून ही हमारा विनेगर जो है, सिरका जो है अगर वो हो तो वो डाल दें, राइस विनेगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना सिंपल सिरका भी डाला जा सकता है, और फिर हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए सॉटे करेंगे क्योंकि इसका क्रंच जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे और इसका कलर ख़राब नहीं हो बेसिकली, और इसमें फ्लेम जो है वो हाई फ्लेम पे मैं कर रही हूँ ताकि ये जल्दी रेडी भी हो जाए, कलर भी ख़राब नहीं हो। सब्जियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं, अभी इसको उतार लेंगे। फिर एक और पैन ले लिया है, इसके अंदर फिर से 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल जाएगा, और इसमें जो है जो मैक्रोनी हमने बॉयल किए थे वो जाएंगे, और साथ ही इसमें मैंने हरी प्याज जो साथ मैंने काटी थी उनके जो ग्रीन वाला पार्ट है वो जाएगा। वाइट पेपर जो है ये सफ़ेद मिर्च जो है वो भी 1/2 टीस्पून जाएगी, और इसमें जो है थोड़ा सा सिरका 1 टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा विनेगर जाएगा, सफ़ेद सिरका जो है वो जाएगा,
और चिली फ्लेक्स जाएंगे हाफ टीस्पून। इसको हम मिक्स करके बस 1 से 2 मिनट बनाएंगे और फिर हम इसे उतार लेंगे। तो ये रेडी हो गया। तो यहाँ पर एक सर्विंग डिश ले ली है, इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे अपना पास्ता जो था, फिर इसके अंदर हम अपनी सब्जियाँ डालेंगे, और फिर हम इसमें चिकन की लेयर लगा देंगे। तो हमारा कलरफुल पास्ता बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।